पूजा चौहान आत्महत्या मामले में कथित तौर से लिप्त शिवसेना के वन मंत्री संजय राठौर ने अपने परिवार के साथ पवित्र स्थल पोहरा देवी के दर्शन किए और यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में कथित मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो सच है वो सामने आएगा, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करना बंद करें। इस दौरान COVID-19 के नियमों को ताक पर रखते हुए यहाँ हजारों की संख्या में राठौर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसको नियंत्रित करने में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीते दो सप्ताह से भी ज्यादा का समय अज्ञातवास में बिताने के बाद शिवसेना के वन मंत्री और पूजा चौहान आत्महत्या मामले में कथित रूप से लिप्त यवतमाल जिले के अभिभावक मंत्री संजय राठौर ने मंगलवार को अपने ऊपर लगे आरोपों पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखा। बंजारा समाज की काशी कहे जाने वाले वाशिम जिले में स्थित पोहरा देवी पहुंचकर उन्होंने अपने परिवार के साथ दर्शन किए। इस दौरान COVID-19 के नियमों को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर हजारों की संख्या में पहुंची राठौर समर्थकों की भीड़ अपने नेता के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाने में इतनी उग्र और बेकाबू हो चली थी कि उसे नियंत्रण में लाने के लिए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान संजय राठौर ने अपनी पत्नी के साथ पोहरा देवी में स्थित मंदिरों के दर्शन कर न सिर्फ आशीर्वाद लिया बल्कि यहाँ के संत महंतों के मार्गदर्शन में पूजा पाठ और होम हवन में भी हिस्सा लिया। इस बीच आयोजित पत्रकार वार्ता में संजय राठौर ने पूजा चौहान कथित आत्महत्या मामले में पूजा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कुछ इस अंदाज में अपना पक्ष रखा। तपासामध्ये सर्व गोष्टी या ठिकाणी स्पष्ट होणार आहे, परंतु अशा पद्धतीनं समाजाची आणि माझी वैयक्तिक ज्या पद्धतीनं 10 दिवसापासून समाज माध्यम असेल, प्रसार माध्यम असेल, याच्यामध्ये जे अतिशय घाणेरडं राजकारण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी लावलेली आहे, पोलीस चौकशी करत आहे। मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की माझी आणि माझ्या कुटुंबाची आणि माझ्या समाजाची बदनामी आपण करू नका। चौकशीत जे काही सत्य बाहेर निघेल ते या ठिकाणी आपण सर्वांनी पहा, मला विश्वास आहे। या ठिकाणी आपल्या सर्वांना मी एवढंच सांगतो की बदनामी कुठून करू नका। इस पत्र परिषद में राजनीतिक विरोधियों द्वारा गंदी राजनीति कर उनके राजनीतिक जीवन को तबाह करने, उनके समाज और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए राठौड़ ने आगे कहा कि कथित मामले में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए उन्हें बदनाम न किया जाए। इस बीच उन्होंने दोहराया कि पवित्र स्थल पोहरा देवी से दर्शन करने के बाद वे अपना काम दोबारा जारी रखेंगे। पाहत होतो माझे वयोवृद्ध आई वडील आहे, माझी पत्नी आहे, माझे मुलं बाळ आहे, ब्लड प्रेशर माझ्या पत्नीला आहे आणि आपल्या सर्व या प्रमाणात माझं कुटुंब सांभाळण्याचं त्यांना त्या ठिकाणी सांगण्याचं काम मी केलं। शासकीय काम सुद्धा माझ्या मुंबईच्या फ्लॅटवरून चालू होतं, कुठेही मी थांबलो नव्हतो। आज या पवित्र भूमीमध्ये येऊन दर्शन घेऊन परत मी पूर्वीसारखं काम या ठिकाणी करणार आहे। इधर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के तीखे जवाबों से बचने के लिए संजय राठौड़ ने कथित मामले में सरकारी जांच और तफ्तीश का हवाला देते हुए डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने पत्र परिषद में राठौड़ के इस दर्शन दौरे और प्रेस वार्ता को नाटकीय करार देते हुए अपने पाप छुपाने की नाकाम कोशिश करार दी है। देखना रोचक होगा कि जांच और तफ्तीश के बाद क्या भाजपा के आरोप हकीकत का रूप धारण करते हैं या फिर संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी जाती है। दिग्रस से BCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।